हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताए, हम आपके बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होगी बीए सेकंड ईयर के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के। और हम आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपका 2022 में हुआ है सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, क्या चीज़ें हैं उसमें, कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन पेपर क्या है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। ऑलरेडी इस चैनल पर आपको बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल, एक बार विजिट करके जरूर देखना। प्लेलिस्ट बहुत स्पेशल बने हुए हैं, जाकर के जरूर चेकआउट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने रहा कॉपीराइट रिजर्व्ड हिस्ट्री का पेपर है, शीट 410 2022 का नया एडिशन, 3 घंटे का टाइम है और 80 मार्क्स आपको दिया गया है। एंड यहां पर क्या कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने जो अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि उनको कॉपी करने की, बुक को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां आपको अपने थॉट्स रखने हैं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, या जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज़ में आप अपने थॉट्स से क्या देखते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर चेक किया जाता है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस किस तरीके से है, तुम कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना बेटर सोच सकते हो, उस चीज़ पर आपको जज किया जाता है, आपको नंबर्स दिए जाते हैं। आप किसी आंसर को रट करके लिख दोगे वो बेटर नहीं करता है, आप क्या उस चीज़ के बारे में सोच पा रहे हो वो बेटर करता है, तो इसलिए अपने आंसर लिखना। अगला कह रहा है द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेटर फुल मार्क्स, यानी कि उपांत के अंक पूर्णता एक घोतक है। अब आंसर देना है यानी 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है। ओके, अब इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर वन 2 पार्ट में है, ए और बी। ए में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर चूज कर रहा है। अब यहां पर आपको अल्टरनेटिव वाले 8 क्वेश्चंस दिए हुए, 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 8 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर आपको यहां से मिलने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हिच लीडर इज नोन एज द छोटा नागपुर जो है केसरी, किसको छोटा नागपुर के केसरी के रूप में जाना जाता है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है राम नारायण सिंह, सेकंड है आपका कृष्णा बल्लभ शाह, एंड थर्ड है आपका भुवनेश्वर चौबे, एंड फोर्थ है आपका यदुवंश सहाय। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन चारों क्वेश्चंस में से अगर मैं फाइंड आउट करूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि हु लेड द जंगल सत्याग्रह ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं, उसके टाइम पे जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शन से हरिहर महतो जो है, ननी गोपाल मुखर्जी, सेकंड है आप, थर्ड है आपके पास यदुगोपाल मुखर्जी, या फिर आपके पास है भागीरथ कारवार। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे जो है जंगल सत्याग्रह किसने चालू किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ननी गोपाल मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हु प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट रामगढ़, रामगढ़ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुई उसकी अध्यक्षता किसने किया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास महात्मा गांधी, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, एंड फोर्थ है आपके पास मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है जो रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया हुआ था। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर, पहले का फोर्थ डी, हु फर्स्ट डिमांडेड ए सेपरेट झारखंड स्टेट, झारखंड को एक सेपरेट स्टेट के रूप में सबसे पहली बात किसने मांगा, यानी कि अलग झारखंड राज्य की मांग किसने किया था। पहले बिहार झारखंड आप देख पता होगा आपको एक ही में थे, ओके, झारखंड मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मतलब इसका ऑप्शन है आपके पास बार्थोलोमन, जयपाल सिंह, रामनारायण सिंह, एंड आपका सीबू शोरन। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन चारों क्वेश्चंस का जो आपका राइट आंसर है, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जयपाल सिंह ने पहली बार जो है अलग झारखंड राज्य की मांग किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फेन वॉज द आदिवासी महासभा फॉर्मड, आदिवासी महासभा जो है इसका फॉर्म कब किया गया, कब इसका गठन हुआ था। आपके ऑप्शन थे 1935, 1936, 1937, 1938। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर, मतलब पहले का फिफ्थ जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1938।
8। ओके आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर वह झारखंड मुक्ति मोर्चा फॉर्म। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1970, 72, 73, 74। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1972। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच डांस इज परफॉर्म्ड कलेक्टिवली ऑन द ओकेशन ऑफ कर्मा फेस्टिवल। जो कर्मा फेस्टिवल होता है, कर्मा पर्व होता है, उसके अवसर पर कौन सा नृत्य जो है, नृत्य जो कौन सा डांस है जो सामूहिक रूप में जो है पेश किया जाता है? आपके ऑप्शन से नचनी नृत्य, या फिर आपका आता है जादुर नृत्य, या फिर आपका पाइका नृत्य, या फिर कर्मा डांस। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा ओकेशन पे कौन सा डांस को कलेक्टिवली किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कर्मा डांस को ही कलेक्टिवली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि चाउ डांस इज प्रीवेलेंट इन विच डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है चाउ डांस किया जाता है? चाउ डांस झारखंड के कौन से जिले में प्रचलित है? आपके ऑप्शन से धनबाद जो है, लातेहार, सरायकेला खरवा, या फिर लोहरदगा। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सरायकेला खसरवा में जो है ये छऊ नृत्य जो है वो काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रचलित है। तो ये था आपका फर्स्ट का ए वाला पार्ट। फर्स्ट का बी वाला पार्ट क्या है कि एंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर आपको सेकंड पार्ट से मिलेगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, डिस्कस अबाउट जो है सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करना है, सरहुल त्यौहार के बारे में बताना है कि क्या है सरहुल त्यौहार, किस तरीके से काम आता है। बी ऑप्शन है आपके पास, मतलब बी क्वेश्चन है आपके पास, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जिसने अलग झारखंड की मांग किया हुआ था उसके बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी देना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे, आपको इस तरीके से करना है। अब इसके बाद देखो आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, यानी कि 2 क्वेश्चन यहां पर है आपके पास और 5 क्वेश्चन यहां पर है जो है 7, और 1 क्वेश्चन यहां पर है 8। 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि टोटल आपको 5 करने थे जिसमें फर्स्ट कंपलसरी, तो फर्स्ट कर लिया गया। उसके बाद आपको बाकी के बचे 8 में से सॉरी 6 में से किसी 4 को करना है, 7 में से 4 को करना है, 7 है या 8 है, 8 है, 8 में से 4 को करना है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हाउ वाज द सिस्टम ऑफ जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पीरियड पे झारखंड का रेवेन्यू मॉडल कैसा था? ब्रिटिश काल में झारखंड का जो राजस्व प्रशासन था उसकी व्यवस्था कैसी थी, उसकी विवेचना करनी है आपको कि राजस्व विभाग किस तरीके से काम किया करता था इंग्लिश टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का आपसे कह रहा है कि थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पीरियड पे कौन कौन से असहयोग आंदोलन के टाइम पे कौन कौन से कार्रवाइयां किया गया, उन चीज पर प्रकाश डालना है कि क्या क्या चीजें रखी गई, क्या क्या चीजें नई रूप में पॉइंट आउट किया गया। ओके अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, देखिए ये कह रहा है आपसे, डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें कौन कौन से क्रियाकलाप किया गया था। बेसिकली क्रियाकलाप पर आपको फोकस करना है कि कौन कौन से वो क्रियाकलाप थे उसके बारे में बात करना है। ओके अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, हाउ सक्सेसफुल वाज क्विट इंडिया मूवमेंट इन झारखंड। मतलब झारखंड में जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किस लेवल पर सफल हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी चर्चा करो कि कितना सफल हुआ था। ओके अगला क्वेश्चन है आपके पास 6th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि थ्रो लाइट ऑन रामगढ़ कांग्रेस सेशन। रामगढ़ में जो कांग्रेस सेशन हुआ था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जिसकी अध्यक्षता किया हुआ था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, तो उस पर प्रकाश डालिए, मतलब कि उसमें क्या क्या चीजें हुई, किन किन पॉइंट्स पर बात किया गया, कौन सी नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, उन चीजों पर आपको बात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट फेजेस ऑफ झारखंड मूवमेंट। तो झारखंड मूवमेंट रहा, झारखंड आंदोलन, उसके प्रमुख जो स्टेप्स रहे, चरण रहे, फेजेस रहे, उन पर बात करनी है कि झारखंड मूवमेंट किस किस तरीके से चला। तो 7th नंबर क्वेश्चन आपका ये है। अब बात करते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की। 8th नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे है, ये कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ झारखंड। यानी कि झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उस चीज के बारे में विस्तार से बताइए कि झारखंड की एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है, क्या चीज है। ओके
इसके बाद आपका 9th नंबर का क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आप देख सकते हैं ये चार क्वेश्चंस हैं, इन चार में से किन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और एक क्वेश्चन के लिए 8 नंबर मिलेंगे, तो दो क्वेश्चन के लिए 16 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, संक्षिप्त में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मेन फोक डांस इन झारखंड, झारखंड की जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन कौन है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, यहां पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन हजारीबाग जेल ब्रेक, हजारीबाग जेल ब्रेक जो हुआ था उसको समझा रहा है कि जेल को किस तरीके से हजारीबाग का तोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है सी नंबर का कि एक्सप्लेन जो है सिंहभूमि जंगल सत्याग्रह, सिंहभूम का जंगल सत्याग्रह जो था उसको समझाइए कि किस तरीके से जंगल सत्याग्रह में काम किया गया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहे उसके बारे में बता रहा है। एंड डी नंबर क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द झारखंड मूवमेंट, जो झारखंड आंदोलन हुआ उसके पीछे क्या क्या कारण थे उसको समझाना है। तो इस तरीके से 9th नंबर क्वेश्चन था, इन चारों में से किसी दो क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे तो आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमको कितने क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चंस करने थे, जिनके लिए आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 16-16 नंबर मिल रहा था, जिससे कि 80 नंबर पूरा होगा। तो यहां से आप करोगे एक क्वेश्चन तो 16 नंबर मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन यहां, 5 यहां, 7 और एक यहां है 8। इन 8 में से किसी 4 क्वेश्चन को कर रहा था, तो आप इन दो इन 8ों में से जो भी आपको ईजी लग रहा है कि हाँ इन क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं, उन क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। ओके मेरे दोस्त, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि हमने डिस्कस किया कि सेमेस्टर एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।